ये जो मेरे पास में थ्री फेस का मोटर है, इस मोटर का जो वाइंडिंग किया गया है, उस वाइंडिंग के अंदर से टोटल 6 वायर निकल के आए हैं। अब इन 6 वायर का इस्तेमाल करके मुझे एक स्टार्टर बनाना है, वो भी स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए आपको दो टाइप का वायरिंग करना पड़ता है। सबसे पहला तो होता है आपका पावर वायरिंग और दूसरा होता है कंट्रोल वायरिंग। तो आज के इस वीडियो के द्वारा हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग करना सीखेंगे, वो भी पूरा बेसिक तरीके से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास में थ्री फेस मोटर है, इस मोटर के अंदर में टोटल 3 वाइंडिंग किया गया है और तीनों वाइंडिंग का टोटल 6 वायर निकल के बाहर आया है। आपका जो मोटर के अंदर से वायर निकल के आता है वो मोटर के टर्मिनल बॉक्स पे होगा। फिलहाल के टाइम पे जो मेरे पास में मोटर है, इस मोटर का कोई भी टर्मिनल बॉक्स नहीं है, सीधा वायर बाहर निकल के आया है। दोस्तों, यदि आप किसी मोटर का कनेक्शन करने जाओ तो कनेक्शन करने से पहले आपको मोटर का जो वायर है उस वायर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो वायर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको समझ लेते हैं, उसके बाद कनेक्शन को समझेंगे। तो वायर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जो आपका मल्टीमीटर है उस मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पोजिशन पे लगा दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यूटी पे कर दिया, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर ओके है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है एक बार समझिए। देखिए, आपका जो यहाँ पे 6 वायर है, यानी कि मोटर के अंदर से जो वायर आए हैं, उन सभी वायर को आपको चेक करना है कंटिन्यूटी। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि यदि आपके मोटर के अंदर से केबल को कनेक्ट किया गया है, यानी कि यहाँ से जो वायर आया इसको केबल के मदद से आपके स्टार्टर के पास में पहुंचाया गया है। अब यहाँ पे हमें नहीं मालूम कि कौन सा वायर किसका है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो क्या करिए कि इन दोनों केबल में से एक केबल पे आप एक टेप लगा दीजिए। जिस केबल पे मैंने टेप को लगाया, ये केबल हमारा फर्स्ट वाली केबल हो जाएगा और ये सेकेंड वाली। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है समझिए। ये जो आपका फर्स्ट वाली केबल है, इस केबल का किसी भी एक वायर के साथ आप एक मल्टीमीटर के प्रोब को कनेक्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे रेड वाले वायर के साथ मल्टीमीटर के प्रोब को कनेक्ट कर दिया। अब जो आपका दूसरा केबल है, इस केबल का जो रेड वाला वायर होगा उसके साथ दूसरे मल्टीमीटर के प्रोब को कनेक्ट करिएगा। यहाँ पे मुझे कंटिन्यूटी मिलने लगा। यदि मुझे यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिलता तो मैं दूसरे वायर के साथ इसको कनेक्ट करके चेक करता। आपको ये देखना है कि इस वायर का कंटिन्यूटी आपको किस वायर में मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे रेड वायर का कंटिन्यूटी रेड वायर में मिल रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे एक नोट बना दूंगा अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा जो मेरा फर्स्ट केबल है, यहाँ पे केबल 1 कर दिया और यहाँ पे केबल 2। ओके, तो केबल 1 का जो रेड वायर है इसका कंटिन्यूटी मुझे मिल रहा है दूसरे केबल के रेड वायर से। केबल 1 कौन सा हो गया, मेरा जो टेप लगा हुआ है वो वाला। ओके, अब यहाँ पे जो मेरा दूसरा वायर है उसको भी मैं चेक करूंगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, येलो वायर के साथ इसको लगा दिया और दूसरे केबल के एक वायर के साथ मैं इसको कनेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ इसको ब्लू के साथ। ब्लू के साथ मुझे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, येल्लो के साथ चेक करता हूँ, यहाँ पे मुझे कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी कि येल्लो वायर जो है उसका कंटिन्यूटी मुझे केबल 2 के येल्लो वायर से मिल रहा है। हो सकता है कि आपके मोटर के अंदर से जो केबल आया है वो केबल में जो वायर का कंटिन्यूटी वो अलग कलर के वायर में मिल रहा हो। मेरे यहाँ पे सेम टू सेम है, लेकिन आपके कंडीशन में अलग भी हो सकता है, तो आपको एक बार चेक करना बहुत ही जरूरी है। तो रेड वायर हमने चेक कर लिए, येलो वायर चेक कर लिए, बच गया हमारा ब्लू वायर, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ब्लू वायर का कंटिन्यूटी हमें ब्लू वायर में मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है। ओके, अब इतना आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप कनेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हो। तो कैसे कनेक्शन करेंगे चलिए समझते हैं। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए आपको टोटल 3 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और एक ओवरलोड रिले का। अब यहाँ पे जो आपका ओवरलोड रिले है, ये ओवरलोड रिले आपके एक कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के साथ ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो ओवरलोड रिले, ये ओवरलोड रिले जिस कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्ट हुआ वो कॉन्टेक्टर हमारा मेन कॉन्टेक्टर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जिस कॉन्टेक्टर के साथ में आपने ओवरलोड रिले को कनेक्ट किए वो कॉन्टेक्टर आपका मेन कॉन्टेक्टर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। यदि आपके मोटर के अंदर से वायर बाहर निकल के नहीं आया है तो आप अलग से वायर को कनेक्ट करके लेके आइएगा स्टार्टर के साथ में कनेक्शन करने के लिए। ओके, अब इन दोनों केबल में से किसी भी एक केबल को आप ओवरलोड रिले के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो केबल नंबर 1 को कनेक्ट कर सकते हो या फिर केबल नंबर 2 को भी कनेक्ट कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको कनेक्ट करना चाहते हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी कनेक्ट कर दीजिए। तो फिलहाल के टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा केबल नंबर 1 है,
इसके वायर को यानी कि तीनों वायर जो है इसको ओवरलोड रिले के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे कनेक्शन करने का टाइम एक काम करिएगा कि फेज सीक्वेंस को ध्यान दीजिएगा। फेज सीक्वेंस का मतलब यह है कि जो आपका पहला वायर होगा यानी कि रेड वायर होगा, इसको आपको पहले नंबर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद T2 पे आपको वाई फेज के पावर सप्लाई को कनेक्ट करना है, और जो आपका T3 वाला टर्मिनल है उस पर आपको बी फेज के पावर सप्लाई को कनेक्ट करना है, यानी कि RYB इस प्रकार से आपको कनेक्शन कर देना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपका जो मेन इनकमिंग पावर सप्लाई है यानी कि MCB से जो थ्री फेज का पावर सप्लाई आएगा, उस पावर सप्लाई को ले जाके आपका जो मेन कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फेज सीक्वेंस के अनुसार ही इसको कनेक्ट करूंगा, यानी कि पहले नंबर के टर्मिनल पे मैं आर फेज वाले वायर को कनेक्ट करूंगा, दूसरे वाले टर्मिनल पे मैं वाई फेज के पावर सप्लाई को कनेक्ट करूंगा, और तीसरे वाले टर्मिनल पे बी फेज के पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं RYB तीनों वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। अब मोटर का जो दूसरा केबल है उस केबल में तीन वायर है। अब इन तीनों वायर को हमें स्टार में कनेक्ट करना है, डेल्टा में कनेक्ट करना है, उसके लिए हमें दो और कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक कॉन्टेक्टर हमारा मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करेगा, और दूसरा कॉन्टेक्टर हमारा मोटर के वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट करेगा। यदि आप स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में क्या डिफरेंस यानी पूरा डिटेल में समझना चाहते हो तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, तो यहाँ पे आपका जो दूसरा केबल है इस केबल के वायर को ले जाके आपको क्या करना है कि आपका जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो कॉन्टेक्टर है ये मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर है। अब इस केबल का जो तीनों वायर है इन तीनों वायर को ले जाके आपका जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इन तीनों टर्मिनल के साथ इनको कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला टर्मिनल है इसके साथ मैं आर वाले वायर को कनेक्ट कर दिया, सेकेंड वाले टर्मिनल पे वाई वाले वायर को कनेक्ट कर दिया, और थर्ड वाले टर्मिनल पे मैं बी वाले वायर को कनेक्ट कर दिया, यानी कि RYB के सिक्वेंस के अनुसार कनेक्शन कर दिया। अब ये जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसके इनपुट टर्मिनल पे कनेक्शन करने के टाइम आपको एक चीज का ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना, एक बात समझिए, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, और यहाँ पे जो मेरा ड्राइंग है इस ड्राइंग में देखिए ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये होता है डेल्टा कनेक्शन का सिंबल। अब यहाँ पे यदि आपको केवल मोटर को डेल्टा कनेक्शन में रन करवाना है तो आपको क्या करना होता है कि मोटर के वाइंडिंग को इस प्रकार से कनेक्ट करके आपको सिंपली RYB तीनों फेज के पावर सप्लाई को लाके कनेक्ट करना होगा, यानी कि तीनों फेज का पावर सप्लाई यदि आप इन तीनों टर्मिनल पे दे दोगे तो आपका मोटर स्टार्ट हो जाएगा। अभी के टाइम पे जो मोटर के अंदर से वायर आया वो ओपन कंडीशन में, यानी कि हमारे पास में तीन वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंग का अलग अलग छह वायर है इस प्रकार से। अब यहाँ पे छह वायर अलग अलग है तो इसको हमें इस प्रकार से कनेक्ट करना है, और इस प्रकार से कनेक्ट करने के लिए हम कॉन्टेक्टर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यदि आपको मोटर के वाइंडिंग को इस प्रकार से कनेक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपका जो यहाँ पे एक वाइंडिंग है इस वाइंडिंग को आपको दो अलग अलग पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। कैसे करेंगे देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा एक वाइंडिंग है ये वाली, इस वाइंडिंग पे आप देखोगे यहाँ पे आर फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट है और यहाँ पे वाई फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट है। इस वाइंडिंग को दो पावर सप्लाई मिल गया, इस वाइंडिंग को भी यहाँ पे वाई फेस और बी फेस का पावर सप्लाई मिल रहा है, और इस वाइंडिंग को आर फेस और बी फेस का पावर सप्लाई मिल रहा है। यानी कि कॉन्सेप्ट केवल यहाँ पर इतना है कि एक वाइंडिंग को आपको दो पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। अब आते हैं हमारे स्टार्टर के ऊपर में। अब ये जो हमारा स्टार्टर है इस स्टार्टर में जो ओवरलोड रिले है इससे जो पावर सप्लाई जाएगा, अभी के टाइम पे आर फेस का ले लेते हैं, तो आर फेस का जो पावर सप्लाई ये जो जाएगा हमारे मोटर के अंदर में, मोटर के अंदर से रिटर्न में आएगा इसी आर वाले वायर में। तो जो रिटर्न में पावर सप्लाई आएगा वो जाएगा दूसरे फेस के पावर सप्लाई में। अब ये जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसको इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए आप तीन वायर ले लीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास में तीन वायर है। ओके, अब इन तीनों वायर को ले जाके आप इनपुट पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा, यानी कि ये जो हमारा मेन इनकमिंग पावर सप्लाई आया है इसी के साथ इन तीनों वायर को कनेक्ट करना है। आप यहाँ पे फेज सीक्वेंस के अनुसार ही इसको कनेक्ट कर दीजिएगा, यानी कि रेड वाले वायर के साथ में रेड वाले वायर को, येलो वाले वायर के साथ येलो वाले वायर को, और ब्लू वाले वायर के साथ में ब्लू वाले वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सीक्वेंस के अनुसार कनेक्शन किया गया है। अब इसके बाद में जो आपका यहाँ पे तीनों वायर है इन तीनों वायर का जो दूसरा सिरा होगा इनको लाके आपको डेल्टा कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे आपको फेज सीक्वेंस मेंटेन नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा मोटर का वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को हमें दो फेज का पावर सप्लाई देना है डेल्टा कनेक्शन में।
तो इस काम को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पे कनेक्शन को इंटरचेंज करना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आर वाले वायर के जरिए पावर सप्लाई जाएगा और रिटर्न में आर में ही आ रहा है, वाई से जो जा रहा है वो वाई में आ रहा है और बी फेस से जो पावर सप्लाई जा रहा है वो बी फेस में आएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो आर फेस का वायर है इस वायर के साथ में हम दूसरे वाले वायर को कनेक्ट करेंगे। हमारे पास में आर को छोड़ के यहाँ पे येलो और ब्लू वायर है, तो मैं क्या करता हूँ येलो वायर को इस वाले वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो ब्लू वायर को भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे येलो वाले वायर को ले जाके आर फेस वाली जो वायर थी उस वायर को पावर सप्लाई देने के लिए इसका कनेक्शन करूंगा। तो इस पॉइंट पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट है वो इस वायर के जरिए जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो वाई फेस वाली वायर है इस वायर को पावर सप्लाई हमें दूसरे फेस का देना है। तो हमारे पास में है रेड और ब्लू, तो ब्लू तो यहाँ पे दोबारा कनेक्ट नहीं होगा, तो ब्लू वाले वायर को हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे ब्लू वाले वायर को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो ब्लू वाली वायर है इसके साथ में रेड वाले वायर को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड वायर से जो पावर सप्लाई आएगा वो जाएगा हमारे येलो वाले वायर में, और येलो वायर से जो पावर सप्लाई आ रहा है वो जाएगा ब्लू वाले वायर के जरिए, और ब्लू फेस वाली जो वायर है उसको मैंने रेड वाले वायर के साथ कनेक्शन किया हूँ। तो केवल मैं इतना कनेक्शन कर दूं तो मेरा जो मोटर है मोटर मेरा डेल्टा कनेक्शन में रन होगा, क्योंकि हमने डेल्टा कनेक्शन का पूरा वायरिंग कर दिए। अब यदि आप चाहते हो कि आपका मोटर स्टार कनेक्शन में भी रन हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो दूसरा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के साथ में आपको स्टार कनेक्शन बनाना होगा। तो ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है इसका कनेक्शन करने के लिए आप सिंपली तीन वायर ले लीजिए और इन तीनों वायर को ले जाके तीनों वायर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। आप यहाँ पे इंटरचेंज भी कर देते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आर फेस के साथ आर वाले वायर को, वाई फेस के साथ येलो वाले वायर को और बी फेस वाले वायर के साथ में ब्लू वाले वायर को कनेक्ट कर दिया, यानी कि सीक्वेंस के अनुसार ही यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। ओके, अब इन तीनों वायर के दूसरे सिरे को ले जाके डायरेक्टली कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर देना है। कहीं पे भी कनेक्ट कर दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली कनेक्शन कर दिया। अब ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है इनको आपस में शॉर्ट कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे दो वायर के लूप को बना दिया हूँ और इन तीनों टर्मिनल के साथ इनको कनेक्ट कर दिया, यानी कि तीनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है इसका पावर वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब इसमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करने से पहले आपको वायरिंग को दोबारा चेक करना होता है। यदि आप गलती से भी कहीं मिस्टेक कर दिए तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो चालू करने से पहले एक बार कनेक्शन को चेक कर लीजिएगा। तो कनेक्शन को चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पोजीशन पे लगा दीजिएगा, और कंटिन्यूटी पोजीशन पे लगाने के बाद आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर का जो एक प्रोब है इसको आपका जो ओवरलोड रिले इसके आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा। ओके, अब यहाँ से जो पावर सप्लाई आएगा वो पावर सप्लाई आपको कहाँ पे मिल रहा है उसको चेक करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्टेक्टर को चालू करना पड़ेगा, साथ ही साथ में कंटिन्यूटी को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन किया गया है। इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया और इस कॉन्टेक्टर को मैनुअली चालू कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कंटिन्यूटी मिल रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ से पावर सप्लाई आएगा इस वाले वायर के जरिए, यानी कि इस येलो वायर के जरिए जाएगा और यहाँ पे येलो के साथ कनेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे आर फेस का वायर कनेक्ट है और इस पॉइंट पे वाई फेस का वायर कनेक्ट है, यानी कि हमारा एक वाइंडिंग को दो फेस का पावर सप्लाई मिल रहा है। ये वाला कनेक्शन सही है। सेकंड कनेक्शन चेक करते हैं। मैं यहाँ पे सेकंड टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, यानी कि वाई वाले वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। इस वायर का जो आउटपुट है वो आके इस पॉइंट पे कनेक्ट है, तो इसका आउटपुट हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। तो यहाँ पे लगाने के बाद कॉन्टेक्टर को मैं चालू करूंगा, हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है, यहाँ पे मुझे कंटिन्यूटी मिल रहा है। तो यहाँ पे देखूंगा ब्लू वायर कनेक्ट है और यहाँ पे ब्लू वायर हमारा ब्लू के साथ कनेक्ट है, यानी कि इस पे वाई फेस है और यहाँ पे ब्लू फेस है, यानी कि एक वाइंडिंग को दो फेस का पावर सप्लाई मिल जाएगा। अब तीसरा जो वायर बच गया है इसको भी मैं चेक कर लूंगा, प्रोब को लगाने के बाद कंटिन्यूटी चेक कर लूंगा, कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी कि सब कुछ सही है। यह हमारा डेल्टा कनेक्शन है, इसी को हमें चेक करना है। स्टार कनेक्शन में ऊपर वाला वायर आपका आपस में शॉर्ट है और नीचे में कहीं भी आप कनेक्ट कर दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो स्टार कनेक्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको डेल्टा कनेक्शन को चेक करना है कि कनेक्शन आपका सही है कि नहीं है। ओके, यदि आपको अभी भी कनेक्शन समझ में नहीं आया तो आप इस सर्किट डायग्राम को एक बार देख लीजिएगा, तो आपको पूरा कनेक्शन समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको वायरिंग एक्सप्लेन किया पूरा का पूरा वायरिंग वही है, केवल यहाँ पे वायर का कलर कोडिंग अलग है, तो कलर कोडिंग से आप मत जाइएगा, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो यदि हम मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा रन करवाएंगे तो सबसे पहले हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है, उसके बाद मेन कॉन्टेक्टर। तो इसको चालू करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले स्टार कॉन्टेक्टर को चालू कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको चालू कर दिया, इसके बाद मैं यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर को चालू करता हूँ। आप देख सकते हो मोटर मेरा रन करना स्टार्ट कर दिया।
अब जो आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ में टाइमर कनेक्ट होगा वो क्या करेगा, स्टार कंडक्टर को ऑफ कर देगा और तुरंत डेल्टा कंडक्टर को चालू कर देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मोटर मेरा डेल्टा कनेक्शन में रन करना स्टार्ट कर दिया। तो यदि आपका स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ऑन है तो आपका मोटर स्टार कनेक्शन में रन होगा। उसके बाद यदि आपका स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाए और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाए तो इस कंडीशन में आपका मोटर डेल्टा कनेक्शन में रन होगा। ओके, अच्छा दोस्तों, यदि कनेक्शन करने के टाइम पे आपका कनेक्शन उल्टा हो जाए यानी कि आपका मोटर गलत डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट कर दे तो उस कंडीशन में आप मोटर के डायरेक्शन को किस प्रकार से सही करोगे, यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यदि आपको ये नहीं मालूम कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम किस प्रकार से मोटर के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको नहीं आता है तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।